हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मेरे इस वीडियो में बात करने वाले हैं फीमेल पेल्विक के बारे में कि फीमेल पेल्विक कौन से टाइप का पेल्विक होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फीमेल पेल्विक। सबसे पहले हम फीमेल पेल्विक का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं गाइस। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो पेल्विक होती हैं वो 4 टाइप की पेल्विक होती हैं, गैनोकॉइड पेल्विक, एंड्रॉयड पेल्विक, एंथ्रोपॉइड एंड पॉलीपेलॉयड। गैनोकॉइड, एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड एंड पॉलीपेलॉयड। तो जो फीमेल पेल्विक होता है ये गैनोकॉइड टाइप का पेल्विक होता है जो कि एक राउंडेड ब्रिम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जो फीमेल पेल्विक है ये राउंडेड ब्रिम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें कि फीटल की जो बॉडी होती है वो ईजिली पासवे हो सकती है। देन जो फीमेल पेल्विक होता है ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि एक्सियल स्केल्टन को अपेंडिकुलर स्केल्टन के साथ अटैच करता है। एक्सियल स्केल्टन के अंदर जो सेक्रल पॉइंट होता है, इसके अलावा ये लोअर लिम्ब के फीमर के साथ अटैच करता है। देन अब हम जानते हैं कि फीमेल पेल्विक क्या है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फीमेल पेल्विक जो होता है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो फीमेल पेल्विक इज अ स्केल्टन रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 बोन। ये एक स्केल्टन रिंग है जो कि 3 बोन से मिलकर बना होता है, 2 इनोमिनेट बोन, 1 सेक्रम एंड 1 कॉक्सिक। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सेक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। गाइस मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि फीमेल पेल्विक कितने बोन से मिलकर बना होता है, तो कई बार हम गलती कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पढ़ा कि कंसिस्ट ऑफ 3 बोन और हम वहाँ 3 बोन टिक करके आ भी जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस, प्लीज़ ये बात हमेशा याद रखिएगा, फीमेल पेल्विक ज़रूर 3 बोन से बना होता है लेकिन यहाँ जो इनिमिनेट बोन होती है ये नंबर में 2 होती है। तो फीमेल पेल्विक 4 बोन से मिलकर बना होता है, 2 इनोमिनेट बोन, 1 सेक्रम एंड 1 कॉक्सिक। अगर वहाँ ऑप्शन में 3 और 4 दोनों हैं तो आप कभी भी 3 पे टिक करके नहीं आएंगे, आप हमेशा 4 पे ही टिक करके आएंगे वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, इनोमिनेट बोन क्या होती है। इनोमिनेट बोन इज ऑल्सो नोन एज हिप बोन। इनोमिनेट बोन को हम हिप बोन भी बोलते हैं। देन जो इनोमिनेट बोन है ये कहाँ होता है, ये हमारा जो फीमेल पेल्विक होता है ये उसका सबसे आउट पोर्शन है, मीन्स लार्ज फ्लैट आउट पोर्शन जो होता है वो इनोमिनेट बोन कहलाता है। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, ये है हमारा हिप बोन, लार्ज फ्लैट आउट पोर्शन। जो हमारा आउट पोर्शन होता है इसे हम हिप बोन कहते हैं। अब जो हमारा हिप बोन है ये 3 बोन से मिलकर बना होता है, इलियम, इश्यम एंड प्यूबिक। इलियम, इश्यम एंड प्यूबिक। तो अब हम ये देखते हैं कि ये तीनों बोन कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो इलियम, अपर लार्ज फ्लैट आउट पोर्शन ऑफ इनोमिनेट बोन। जो अपर का जो पोर्शन है उसका आउट पोर्शन, जो अपर लार्ज पोर्शन था उसका आउट पोर्शन इलियम कहलाता है। डायग्राम में देखते हैं कि ये कहाँ है, ये है हमारा डायग्राम, ये इलियम, अपर लार्ज फ्लैट आउट पोर्शन ऑफ इनोमिनेट बोन। सो गाइस मैं आपको इसमें कुछ कॉमन सी चीज़ें बताना चाहूँगी जिसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और अगर हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम जहाँ पे अपना हाथ रखते हैं या ये कहें कि जो इलियम होता है इसका जो अपर बॉर्डर होता है इसके अपर बॉर्डर को हम इलियक क्रस्ट कहते हैं। जहाँ पे हम अपने हाथ को रखते हैं, कमर पे हम अपना हाथ जहाँ रखते हैं उस पार्ट को इलियक क्रस्ट कहते हैं।
और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जिस प्लेस पे हम हाथ रखते हैं उसे पेल्विक का कौन सा पार्ट कहा जाता है, तो उसे हम इलियक क्रस्ट कहते हैं। देन जो इलियक क्रस्ट होता है इसके फ्रंट पार्ट में एक प्रोमिनेंस पाया जाता है, इलियक क्रस्ट के फ्रंट पार्ट में यहाँ पे एक सिमिलर प्रोमिनेंस पाया जाता है जिसे कि हम एंटीरियरो सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं, एंटीरियरो सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। इलियक क्रस्ट के फ्रंट में जो प्रोमिनेंस पाया जाता है, इलियक क्रस्ट के फ्रंट में जो प्रोमिनेंस पाया जाता है उसे हम एंटीरियरो सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। देन जो इलियक क्रस्ट होता है उसके अपोजिट एंड में एक सिमिलर प्रोमिनेंस पाया जाता है, इलियक क्रस्ट के अपोजिट पार्ट में, ये जो है इसके अपोजिट पार्ट मीन्स इसके बैक साइड में एक सिमिलर प्रोमिनेंस पाया जाता है जिसे हम पोस्टीरियरो सुपीरियर एंड पोस्टीरियरो इन्फीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं, पोस्टीरियरो सुपीरियर एंड पोस्टीरियरो इन्फीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। देन जो हमारा इलियम होता है, सबसे पहले तो ये कनकेव शेप का होता है, जिसका एंटीरियर सरफेस कनकेव शेप का होता है जिसे हम इलियक फोसा कहते हैं। इलियम का एंटीरियर सरफेस कनकेव शेप का होता है जिसे हम इलियक फोसा कहते हैं। तो अब हम आते हैं इस्चियम पे। इस्चियम क्या है? थिक लोअर पार्ट ऑफ इनोमिनेट बोन, जो इनोमिनेट बोन का लोअर पार्ट, थिक जो लोअर पार्ट होता है उसे हम इनोमिनेट बोन कहते हैं। ये है हमारा इस्चियम, ये है थिक लोअर पार्ट ऑफ द इनोमिनेट बोन। देन जब हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी जिस बोन पे रेस्ट करती है उसे हम इस्चियल ट्यूबर्सिटी कहते हैं। हम जब बैठते हैं तो हमारी बॉडी जिस पार्ट पे रेस्ट करती है उसे हम इस्चियल ट्यूबर्सिटी कहते हैं। वो जो पार्ट होता है उस पार्ट पे हमारी बॉडी का सारा वेट लगभग पड़ता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ का जो जॉइंट होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत जॉइंट होता है। और जो हमारा इस्चियल ट्यूबर्सिटी होता है इसके पास एक वो प्रोजेक्शन पाया जाता है, इस्चियल ट्यूबर्सिटी के पास एक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे हम इस्चियल स्पाइन कहते हैं। ये ट्यूबर्सिटी, इसे हम इस्चियल स्पाइन कहते हैं। देन अब है प्यूबिक। तो प्यूबिक बोन क्या है? फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इनोमिनेट बोन, जो हमारा इनोमिनेट बोन है उसका एंटीरियर पार्ट, इनोमिनेट बोन के एंटीरियर पार्ट को हम प्यूबिक बोन कहते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम में देखते हैं, ये है हमारा प्यूबिक बोन, ये जो है इसे हम बोलते हैं प्यूबिक बोन, एंटीरियर पार्ट ऑफ द इनोमिनेट बोन। अब इस डायग्राम में कहाँ है प्यूबिक बोन? दैट्स पार्ट ऑफ द प्यूबिक बोन। जो प्यूबिक बोन होती है इसमें एक बॉडी होती है और उस बॉडी में टू प्रोजेक्शन होते हैं। जो प्यूबिक बोन होती है उसमें उसे हम बॉडी भी बोलते हैं, प्यूबिक बोन को बॉडी भी बोला जाता है, और उसमें टू प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम सुपीरियर एंड इन्फीरियर रैमस बोलते हैं। जो प्रोजेक्शन पाया जाता है उसे सुपीरियर एंड इन्फीरियर रैमस भी बोला जाता है। टू प्यूबिक बोन प्यूबिक सिम्फेसिस पे मिलते हैं। अब यहाँ प्यूबिक सिम्फेसिस कहाँ है? ये है हमारा प्यूबिक सिम्फेसिस। टू प्यूबिक बोन आके प्यूबिक सिम्फेसिस पे मिलती हैं। इसके बीच में एक फोरामेन पाया जाता है जिसे फोरामेन एब्टुडेटर कहा जाता है। प्यूबिक सिम्फेसिस के बीच में एक फोरामेन पाया जाता है जिसे फोरामेन एब्टुडेटर भी कहा जाता है। देन अब हमारा इनोमिनेट बोन कंप्लीट हो गया। इनोमिनेट बोन 3 बोन से मिलकर बना था, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक। देन अब आता है हमारा
जो हमारा पेल्विक था वो भी 3 बोन से मिलकर बना था, 2 इनेमिनेट बोन, 1 सेक्रम एंड 1 कॉकेक्स। तो इनेमिनेट बोन कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं कॉकेक्स पे, सॉरी सेक्रम पे। सेक्रम क्या है? लाइज बिटवीन इन द इलियक, जो हमारा इलियम बोन था उसे इलियक भी कह सकते हैं, उसके बीच में जो पाया जाता है उसे हम सेक्रम कहते हैं। मीन्स जो हमारा सेक्रम होता है वो इलियक के बीच में होता है और ये एक वेट सेप लाइक बोन होती है। जो इलियक है वो एक वेट सेप लाइक बोन जो सेक्रम है वो एक वेट सेप लाइक बोन होती है। ये डायग्राम में देखते हैं कहाँ है, ये जो हमारा पार्ट होता है ये अभी मैंने बताया आपको कि ये इलियम के बीच में होता है, तो ये ना वेट से बोन होती है। देन अब क्या है, ये जो हमारा होता है सेक्रम बोन, ये 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा सॉरी ये 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से मिलके बनी होती है। जो इलिया सेक्रम बोन है ये 5 वर्टिब्रा के फ्यूज होने से बनी होती है। इसके अपर मार्जिन पे एक प्रोमिनेंट पाया जाता है। जो फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रा होती है जो कि फ्यूज हुई होती है इसमें, उसके अपर मार्जिन पे एक प्रोमिनेंस पाया जाता है जिसे सेक्रल प्रोमेंट्री कहा जाता है, जिसे सेक्रल प्रोमेंट्री कहा जाता है। यहाँ पे एक प्रोमिनेंट पाया जाता है, प्रोमिनेंस पाया जाता है, उभार पाया जाता है, जिसे हम सेक्रल प्रोमेंट्री कहते हैं। जो इसका एंटीरियर सरफेस होता है वो कनकेव होता है और वो सॉफ्ट भी होता है, और जो इसका पोस्टीरियर वो होता है सरफेस होता है वो थोड़ा सा खुरदुरा लाइक होता है। जो सेक्रम होता है इसमें 4 पेयर होल्स होते हैं, इन होल से ये जो होल है यहाँ से सेक्रल नर्व पास होती है। सेक्रम बोन में 4 पेयर होल्स पाए जाते हैं जहाँ से सेक्रल नर्व पास होती है। तो गाइस अब हम आते हैं कॉकेक्स पे। कॉकेक्स क्या है? ये एक ट्रेंगुलर शेप बोन है। कॉकेक्स क्या है? एक ट्रेंगुलर शेप बोन है। डायग्राम में ये जो हमारी छोटी सी यहाँ पे ये दिख रहा है ये कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस तरह से ये होता है। ये एक ट्रेंगुलर शेप बोन होती है। जो कॉकेक्स है ये एक ट्रेंगुलर शेप बोन है। ये 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा के 4 वर्टिब्रा के फ्यूज होने से बनती है। जो कॉकेक्स है ये 4 वर्टिब्रा के फ्यूज होने से बनती है। अब उन वर्टिब्राज का नाम क्या है? C1, C2, C3 एंड C4। गाइस मैं ये नाम आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वो कौन कौन सी वर्टिब्रा हैं जिनके फ्यूज होने से कॉकेक्स बनती है। तो C1, C2, C3 एंड C4 ये 4 वर्टिब्रा ऐसी हैं जिनके फ्यूज होने से हमारा कॉकेक्स बनता है। और मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बता दूं कि पूरे पेल्विक में ये जो कॉकेक्स पार्ट होता है सिर्फ यही एक मूवेबल पार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फीमेल पेल्विक में वो कौन सा पार्ट है जो मूवेबल पार्ट है। सो कॉकेक्स इज द मूवेबल पार्ट। अब ये मूव कैसे करता है? जब फीटस की डिलीवरी होती है तो उस समय ये जो हमारा पार्ट होता है ये फीटल हेड को स्पेस प्रोवाइड करता है वहाँ से बाहर आने में। फीटल हेड को स्पेस प्रोवाइड करता है हमारा कॉक्सिक बोन बाहर आने में। देन अब हम जानते हैं कि फीमेल पेल्विक में कौन कौन से जॉइंट होते हैं। तो फीमेल पेल्विक में 3 जॉइंट होते हैं, सेक्रोइलियक जॉइंट, सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट एंड सिम्फेसिस प्यूबिक जॉइंट। सेक्रोइलियक जॉइंट, सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट एंड सिम्फेसिस प्यूबिक जॉइंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेक्रोइलियक जॉइंट के बारे में। जो हमारा सेक्रोइलियक जॉइंट होता है ये मूवेबल जॉइंट होता है, मींस ये मूव कर सकता है। सेक्रोइलियक जॉइंट उस जॉइंट को कहते हैं जहाँ पे सेक्रम और इलियक जॉइंट होते हैं, मींस जो जॉइंट सेक्रम और इलियक को जोड़ता है उसे हम सेक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। ये जो जॉइंट होता है ये एक हिंज जॉइंट होता है। जो हमारा सेक्रोइलियक जॉइंट होता है ये हिंज जॉइंट होता है।
ये ओनली वन इन नंबर होते हैं, नंबर में जो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट है ये सिर्फ वन होते हैं। देन सेकेंड इज सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। गाइस नाम से ही पता चल रहा है, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट मीन्स जो जॉइंट सैक्रम और कॉक्सिक को जोड़ती है उसे हम सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट बोलते हैं। देन सिम्फेसिस प्यूबिक जॉइंट, सिम्फेसिस प्यूबिक जॉइंट नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे सिम्फेसिस और प्यूबिस मिलते हैं उसे हम सिम्फेसिस प्यूबिक जॉइंट कहते हैं, मीन्स ये वाला पार्ट जो हमारा है इसे हम सिम्फेसिस प्यूबिक जॉइंट बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि फीमेल पेल्विक में कितने लिगामेंट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि फीमेल पेल्विक में 5 लिगामेंट होते हैं, सैक्रोइलियक लिगामेंट, प्यूबिक लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोपाइनस लिगामेंट एंड सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट। सैक्रोइलियक लिगामेंट, प्यूबिक लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोपाइनस लिगामेंट एंड कॉक्सियल लिगामेंट। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं, सबसे पहला हमारा लिगामेंट था सैक्रोइलियक लिगामेंट। तो जो सैक्रम और इलियक को आउट अंदर से और बाहर से मीन्स आगे से और पीछे से इनवर्ड एंड आउटवर्ड से जो लिगामेंट कवर करती है उसे हम सैक्रोइलियक लिगामेंट बोलते हैं। देन हमारा सेकेंड लिगामेंट है प्यूबिक लिगामेंट। तो प्यूबिक लिगामेंट किसे कहते हैं, प्यूबिक लिगामेंट उसे कहते हैं जो प्यूबिक जो हमारा प्यूबिक जॉइंट है या जो प्यूबिक बोन है उसको सुपीरियर और इन्फीरियर से जो कवर करती है उसे हम प्यूबिक लिगामेंट कहते हैं। प्यूबिक लिगामेंट हम ये भी कह सकते हैं कि सिम्फेसिस प्यूबिस के अंदर से या फिर आउटवर्ड और इनवर्ड जो उसे जो सर्कुलेटली जो रन करती है प्यूबिक सिम्फेसिस के जो सर्कुलेटली जो रन करती है उसे हम प्यूबिक लिगामेंट कहते हैं। देन थर्ड इज सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट क्या है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट उस लिगामेंट को कहते हैं जो जिसका एक पार्ट सैक्रम से और दूसरा पार्ट मींस जो सैक्रम टू इस्टियल ट्यूबरसिटी जो लिगामेंट रन करता है उसे हम सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहते हैं। सैक्रम टू इस्टियल ट्यूबरसिटी जिसे हम सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहते हैं। देन हमारा फोर्थ क्या था, सैक्रोपाइनस लिगामेंट। सैक्रोपाइनस लिगामेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पाइनस मीन्स इस्टियल स्पाइन, पाइनस इस्टियल स्पाइन को यहाँ बोला गया है। देन सैक्रम सैक्रम को ही है, मीन्स जो लिगामेंट इस्टियल स्पाइन टू सैक्रम रन करता है, इस्टियल स्पाइन टू सैक्रम जो लिगामेंट रन करता है उसे हम सैक्रोपाइनस लिगामेंट कहते हैं। देन सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट हमारा लास्ट लिगामेंट है, सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट जो सैक्रम और कॉक्सिक को आगे और पीछे से मीन्स आउटवर्ड एंड इनवर्ड से जो कवर करता है उसे हम सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट कहते हैं। तो गाइस आज हमने इस वीडियो में बात की कि फीमेल पेल्विक में कितने बोन होते हैं, कौन कौन से जॉइंट होते हैं और साथ ही साथ कौन कौन से लिगामेंट होते हैं। हो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो गाइस प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।